आई रियली विश किसी ने इस टाइप का वीडियो बनाया होता जिस टाइप का मैं बना रही हूँ। Welcome back to another episode of Hi Mommy, in which I talk about pregnancy and parenting. I make other fun content too, so if you are interested in that kind of a content, please subscribe to our channel and join our family. And without further any delay, let's start the video. So, मैंने एक वीडियो डाला था पोस्टपार्टम एसेंशियल्स में, जिसमें मैंने ब्रेस्ट पंप की भी बात की थी और आप लोगों से पूछा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में जानने के लिए, माय ब्रेस्ट पंप जर्नी या फिर ब्रेस्ट पंप रिव्यू, तो आप मुझे जरूर बताना। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दे वॉन्ट टू नो अबाउट द ब्रेस्ट पंप जर्नी एंड रिव्यू, सो हेयर आई एम टूडे शेयरिंग माई ब्रेस्ट पंप स्टोरी जर्नी एंड अ मिनी रिव्यू, जो ब्रेस्ट पंप मैंने यूज किया था, जिस हिसाब से मुझे काम आया और जो भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आई वॉन्ट टू शेयर दैट, आई होप इट रियली हेल्प्स। आप लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी या डिलीवरी जर्नी स्टोरी टाइम देखा है तो आपको पता होगा कि मेरी जो बच्ची है वो प्री मेच्योर है, तो वो बहुत जल्दी हो गई थी और ऑब्वियसली मेरी इतनी सारी प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी, मेरा हॉस्पिटल बैग भी पैक नहीं था और इसी वजह से मैंने ब्रेस्ट पंप भी नहीं खरीदा था। आई वॉज लाइक ठीक है टाइम है खरीद लेंगे, बट सडनली उसका बर्थ हुआ तो उस समय वो प्री मेच्योर थी, इसी वजह से वो NICU में थी, शी वॉज इन NICU फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो ऑब्वियसली मैं उसे डायरेक्ट फीड नहीं करा पा रही थी। तो उसी दिन लाइक फर्स्ट डे जिस दिन वो बॉर्न हुई थी उसी दिन से मेरी ब्रेस्ट पंप जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो अब मेरे पास ब्रेस्ट पंप नहीं था बट मुझे उसको दूध पहुंचाना जरूरी था, तो डॉक्टर ने कहा कि ब्रेस्ट पंप लेके आना पड़ेगा सो दैट हम उसको फीड करा सके। तो सबसे पहला ब्रेस्ट पंप मोहित उसी समय जाके जो लेके आए थे वो लेके आए थे फिलिप्स का मैनुअल ब्रेस्ट पंप। अभी मेरे पास ये सारे जो भी ब्रेस्ट पंप मैंने यूज किए हैं उन सबकी फोटो यहाँ पे डाल दूंगी, क्योंकि वो अभी मेरे पास नहीं है, कोई भी इधर उधर रखा है क्योंकि मैं यूज नहीं करती, जो मैं एक यूज करती हूँ उसकी हालत ऐसी है कि मैं दिखा नहीं पाऊंगी, तो मैं उसके जो भी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे डाल दूंगी सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कौन सा मैंने यूज किया था। इन सब के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वो भी चेक कर सकते हो, सो डू नॉट वरी एट ऑल। सो जब सबसे पहला ब्रेस्ट पंप लेके आए थे मोहित, वो लेके आए थे मैनुअल फिलिप्स का। अब वो था ऑलमोस्ट आई गेस 1500 के रेंज में शायद से कुछ था, मैं एक रफ आइडिया बता रही हूँ आप लोगों को। वो लेके आए फर्स्ट डे, मैंने वो ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। सेकेंड डे आई ट्राई सो मच, हम लोगों ने बहुत एफर्ट किया, बहुत ट्राई किया, डॉक्टर्स ने भी हेल्प की, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, मेरा फ्लो आ ही नहीं रहा था जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा था और मुझे बेबी को दूध पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था मेरे लिए। मे बी शायद बिकॉज कि ऑब्वियसली वो फर्स्ट फ्लो था एंड फर्स्ट फ्लो में टाइम लगता है और वो मैनुअल जो होता है ना उसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है, और कितना भी एफर्ट हम लगा रहे थे कुछ भी कर रहे थे बट वो नहीं हो पा रहा था। सो बेसिकली वो काम ही नहीं किया हमारे लिए। उसके बाद जब हमने डॉक्टर्स को बोला कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप मडेला का इलेक्ट्रिक पंप लेके आओ। अब हॉस्पिटल में जो पंप वाला स्टेशन होता है जहां पे आप जाके पंप करके बच्चे को पिला सकते हो, वो NICU के अंदर ही होता है। मैं वहां जाके करके आई क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली वो मैनुअल वाला काम नहीं कर रहा था, तो वहां पे वो उनके पास मडेला इलेक्ट्रिक पंप था। जब मैंने वो यूज किया सो इट वर्क्ड अमेजिंगली, उसने बहुत अच्छे से काम किया, मुझे अच्छे से फ्लो हुआ और फाइनली मैं अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबी तक पहुंचा पाई। तो उसी वक्त डॉक्टर ने मैं सजेस्ट किया कि आप मडेला का इलेक्ट्रिक पंप ले लो, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से फ्लो भी आ जाएगा, आप लोगों को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। अब जो मेरा प्रोसेस है वो ऐसा नहीं था कि एक दो दिन के लिए मुझे चाहिए था, मुझे नहीं पता कि मुझे कब तक काम आ सकता है, बिकॉज वन मंथ तक तो वो ऑलमोस्ट NICU में थी। उसके बाद जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनको थोड़ा लैचिंग में भी दिक्कत होता है, सो दे सजेस्टेड कि आप मडेला का इलेक्ट्रिक पंप ले लो, वो अच्छे से होगा। उस समय ऑब्वियसली वी हैड नो अदर ऑप्शन, सो वी डिसाइडेड कि ओके पहुंचाना तो है ही दूध कैसे भी करके। सो हम लोगों ने नेक्स्ट जो पंप खरीदा वो खरीदा मडेला का इलेक्ट्रिक पंप, और वो जो होता है वो होता है वन ब्रेस्ट पंप होता है, वो मतलब डबल ब्रेस्ट एक साथ नहीं कर सकते, आप एक ही ब्रेस्ट कर सकते हो, उसको हाथ से पकड़ना होता है बट वो इलेक्ट्रिक होता है। सो वी गॉट दैट एंड इट वर्क्ड अमेजिंग फॉर अस। वो जो पंप आया था दैट वॉज रियली कॉस्टली, क्योंकि जो मडेला के पंप्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। सो वी गॉट दैट पंप फॉर आई गेस 13,000 to 14,000 के बीच में कुछ वो पंप आया था। सो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी कॉस्टली फॉर अस और मुझे काफी ज्यादा ऐसा लगा था ओ माई गॉड इतना कॉस्टली, बट ठीक है वी हैड नो अदर ऑप्शन सो वी बॉट इट। उसके बाद मैंने उसे पंप करना स्टार्ट किया और बहुत ही स्मूथली पंप हो गया, बहुत अच्छे से फ्लो हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था एंड इट वॉज फाइन, मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा था। सो उसके बाद उस पंप को मैंने ऑलमोस्ट
आई गेस 10 या 15 डेज मैक्सिमम यूज किया. सो मैं यूज कर ही रही थी, बट ऑब्वियसली इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता है क्योंकि एक तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है, यू कैन नॉट बी हैंड फ्री, और दूसरा कि उस वो एक ब्रेस्ट पंप है, लाइक वो एक ब्रेस्ट का पंप है, राइट. तो उससे क्या होता है कि आप एक ब्रेस्ट को अगर 20-30 मिनट्स पंप कर रहे हो तो आपको अगेन जो दूसरा ब्रेस्ट है उसको फिर से 20-30 मिनट्स पंप करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि जो टाइम जो पंपिंग सेशन आप 30 मिनट्स में खत्म कर सकते हो उसको आपको 60 मिनट्स लगेंगे. सो ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूम होती है, टाइम कंज्यूम होता है, और इतनी ड्रेन हो जाती है बॉडी बहुत ज्यादा. इट्स नॉट ईजी टू पंप, लाइक टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली डिफिकल्ट. पंपिंग जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, आई एम श्योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट होती है, बट पंपिंग जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट होती है. बैठ के पूरा टाइम पंप करना, वो भी दिन में 6 से 8 बारी, कमर की भी बैंड बच जाती है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड ब्रेस्ट पंप. तो ठीक है, बट मेरा चल रहा था, मैं करी थी जैसे तैसे, आई डेंट रियलाइज क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि किस किस टाइप के पंप आते हैं. आई रियली विश किसी ने इस टाइप का वीडियो बनाया होता जिस टाइप का मैं बना रही हूँ, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, क्योंकि नॉर्मली कोई एक ब्रेस्ट पंप का रिव्यू कर देता है, राइट. बट राइट नाउ आई एम शेयरिंग माई जर्नी, तो उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया पता चलेगा कि मुझे क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कैसे कैसे स्विच किया, क्या हुआ, उसके हिसाब से यू कैन टेक योर डिसीजन. सो आई रियली विश कि मेरे पास भी कोई ऐसा वीडियो होता, कोई ऐसा रेफरेंस होता, तो मेरे इतने पैसे भी वेस्ट ना होते और मुझे शुरू से मेरा पंपिंग जर्नी थोड़ा सा ईजी हो सकता. बट एनी वे 10-15 डेज तक मैं उसे पंप कर रही थी मडेला वाले से, इट वॉज वर्किंग फाइन. ऑब्वियसली वो इतना महंगा था तो मैंने स्विच करने का भी नहीं सोचा, मोर ओवर मुझे पता भी नहीं था कि और कौन से पंप आते हैं उससे बेटर. बट एक दिन मोहित अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे, उनका भी प्रीमेच्योर बेबी था, तो उन्होंने जो पंप यूज किया उन्होंने सजेस्ट किया कि आप दिया का पंप लो क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. नाउ उन्होंने बता तो दिया, बट अब हमने दिया का पंप सर्च किया, सो दैट वॉज फॉर 12,000-13,000 अगेन. सो ऑब्वियसली इट्स हैवी ऑन द पॉकेट, एकदम से इतना एक्सपेंस समझ में नहीं आता है. डिलीवरी के टाइम पे ऑलरेडी काफी एक्सपेंस हो रहा होता है और इतना सारा हम ऑलरेडी पंप में लगा चुके थे पैसा, तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. बट एट द एंड जिस हिसाब से हमने उसके बेनिफिट्स देखे, वी थॉट कि ऑब्वियसली पंपिंग जर्नी ऐसी नहीं है कि मेरी थोड़ी दिन की है, मुझे लॉन्ग टाइम तक पंप करना है, मुझे नहीं पता मेरी पंपिंग जर्नी कब तक चलेगी क्योंकि आई वॉज ऑन एक्सक्लूसिव पंपिंग. सो आई थॉट लेट मी गेट वन, क्योंकि मोहित ने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम ले लो क्योंकि बहुत ईजी हो जाने वाला है प्रोसेस. तो हम लोगों ने वो लिया, तो उसमें क्या बेनिफिट है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट यू कैन बी हैंड्स फ्री. उसमें एक ब्रा आती है आपको साथ में, उसमें आपको अपना पंप अटैच करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको इसे पकड़ के रखने की जरूरत नहीं होती है. यू कैन बी हैंड्स फ्री, यू कैन डू योर ओन वर्क, यू कैन रोम अराउंड एंड पंप ऑल्सो. सो सबसे बड़ा बेनिफिट था. सेकेंड बेनिफिट ये था कि उसमें डबल ब्रेस्ट पंप है, तो आप दोनों ब्रेस्ट को साथ में पंप कर सकते हो, तो इससे आपका जो टाइम है वो भी बहुत सेव होता है, एनर्जी बहुत सेव होती है. सो बेसिकली ये पूरी तरह से काफी ईज वाला था, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पंप है तो आपको मैनुअल भी नहीं करना पड़ रहा, आपकी दोनों ब्रेस्ट एक साथ हो सकती है, प्लस आप हैंड्स फ्री रह सकते हो. सो आई रियली लाइक द आइडिया, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक्सपेंसिव है बट अब ले लेते हैं. मोहित ने भी काफी फोर्स किया कि बहुत ईजी हो जाएगा, एंड दैट पंप हैज चेंज्ड माई पंपिंग गेम टू बी ऑनेस्ट. ऑब्वियसली उसके बाद भी डिफिकल्टी बस इतनी रहती है कि पंपिंग इज अ लिटिल डिफिकल्ट, दैट्स इट. अदरवाइज मैं आज तक भी ये सोचती हूँ कि अगर मैंने वो नहीं लिया होता तो मैं अभी तक भी सर्वाइव नहीं कर पाती. आई स्टिल पंप, अब मैं उतना ज्यादा नहीं करती हूँ, ऑब्वियसली आई डू इट 2 times a day, बट आई स्टिल डू इट. तो इतने टाइम तक मैं जो पंपिंग जर्नी, एक्सक्लूसिव पंपिंग जर्नी कंटिन्यू करती आ रही हूँ, उसका सारा का सारा बस जो बेनिफिट है, जो क्रेडिट है एक्चुअली, वो सारा उसी को जाता है, दिया वाले को. एंड आई रियली थैंक टू दैट पर्सन जिन्होंने वो रिकमेंड किया मुझे, क्योंकि वो बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए. सो अब जो मैंने तीनों पंप यूज किए, मैं आपको थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ अपने अकॉर्डिंगली. हालांकि मैं फर्स्ट पंप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं उसको अच्छे से यूज ही नहीं कर पाई, और पूरी स्टोरी टाइम देके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक पूरा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ. जो फर्स्ट पंप था वो फिलिप्स का मैनुअल पंप था. सो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो मैनुअल था, और मैनुअल यूज करते हुए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, आपके हैंड्स बहुत पेन करते हैं. सो अगर आपको रेगुलर और फ्रिक्वेंटली पंप करना है, सो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट. प्लस वो मेरा फ्लो भी उतना नहीं लेके आ पाया था, सो आई डोंट नो हाउ विल इट वर्क. कुछ लोग उसको काम लेते भी हैं, बट टू बी ऑनेस्ट उसमें मैं अपना पूरा एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि उसको मैंने यूज ही नहीं किया, वो मेरे को काम ही नहीं आया. सो दैट वॉज दैट. सेकेंड जो मैंने पंप लिया वो था मेडेला का इलेक्ट्रिक पंप, और
उसका बेनिफिट ये था कि वो इलेक्ट्रिक था, उसके अलावा उसका कोई बेनिफिट नहीं था. यस, दूसरा बेनिफिट ये था कि वो ब्रांडेड था और ब्रांडेड की वजह से वो बहुत कॉस्टली था. नाउ जस्ट इमेजिन, जिसमें उतने सारा फीचर्स भी नहीं थे, वो पंप मुझे आया था 14,000 का, और दिया का पंप जिसमें इतने सारे फीचर्स है, इतनी सारी चीजें थी, उस वो मेरा पंप आया था 12 या 12.5, लाइक 12-12.5 हज़ार का आया था. सो ऑब्वियसली वो ब्रांड का ही फर्क था, मेडेला का जो इतना महंगा पंप आया था. तो उसको तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि कोई भी लो, क्योंकि अगर आप इतना एक्सपेंसिव ले सकते हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, सो ऑब्वियसली आई सजेस्ट कि आप दिया का पंप. सो नाउ दिया के पंप में सबसे मेन वही है कि आप हैंड फ्री रह सकते हो, आराम से आप अपना काम कर सकते हो, डबल ब्रेस एक साथ पंप हो जाती है. सो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप एक्सक्लूसिव पंपिंग करते हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप दिया के पंप पे जाओ. नाउ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँ कि आपको अपनी जर्नी के हिसाब से कौन सा लेना है, तो उसके हिसाब से मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा पंप करने का प्लान कर रहे हो, लाइक या तो एवरीडे कर रहे हो, एवरीडे लाइक 2-3 times कर रहे हो, या एवरीडे कर रहे हो, या यू आर प्लानिंग कि हाँ आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो आप डेफिनेटली दिया के पंप में इन्वेस्ट करो. आई नो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, बट इट्स वर्थ एवरी पेनी. ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ एवरी पेनी. बेशक वो कॉस्टली आता है, बट मुझे ऐसा लगता है उसको पूरा पैसा वसूल है. वो इतनी लाइफ इजी बना देगा पंपिंग जर्नी के लिए, बिकॉज पंपिंग इट्स रियली डिफिकल्ट, ब्रेस्ट फीडिंग इज रियली डिफिकल्ट. सो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो थोड़ा पैसा लगा के आपकी जर्नी को इजी बना सकती है, सो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ सोचना चाहिए. बट यस, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा पंपिंग जर्नी में रहने वाले हो, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप दिया का पंप लो. बट अगर आपके साथ ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा से फ्रिक्वेंटली पंप नहीं करने वाले हो, आपको ये पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में पंप करने वाले हो, कुछ लोग होते हैं सो सिर्फ तब पंप करते हैं, या तो उनको कहीं जाना होता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सो आप बहुत रेयर ओकेजन पे पंप करने वाले हो, सो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, आप फिर भी मैनुअल पंप ले सकते हो. नाउ एज आई टोल्ड यू कि मुझे नहीं पता वो कितना वर्क करता है, बट ऑब्वियसली अगर आप इतना फ्रिक्वेंटली पंप नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो इतने महंगे पंप पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है जो 12-14,000 के आते हैं. आई एम श्योर उससे कम बजट में भी कुछ आता होगा. सो आप मैनुअल एक अच्छा सा पंप भी ले सकते हो, अपने आसपास किसी से पूछ सकते हो जिन्होंने मैनुअल पंप ट्राई किया. आई एम श्योर मैनुअल पंप भी बहुत अच्छे से काम करता है, वो शायद फर्स्ट फ्लो की वजह से उतना काम नहीं किया था, बट अब अगर मैं करूं तो शायद वो थोड़ा बहुत काम कर जाए. सो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बहुत कम पंप कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल पंप ले सकते हो, बट अगर आप बहुत ज्यादा पंप करने का सोच रहे हो या फिर उस जर्नी में हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप दिया का पंप लो. इट्स अ बेस्ट पंप, बहुत अच्छा है, सारे पार्ट्स बहुत अमेजिंग है. इसके साथ ब्रा भी आती है जिससे वो आपको बहुत कंफर्टेबल बना देती है. तो दीज आर सम टिप्स. तो यही था मेरा पूरा का पूरा स्टोरी, जर्नी, रिव्यू अबाउट ब्रेस्ट पंप. आई रियली रियली होप कि किसी को हेल्प करेगा, एंड आई रियली होप कि मेरे पास ऐसी कोई वीडियो होता तो मुझे इतना सारा पंप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. बट एनीवे, आई रियली होप कि ये किसी को हेल्प कर जाए, वो ही मेरे लिए बहुत है. मुझे और बताना कि और किस चीज़ के लिए रिव्यू चाहिए और क्या देखना पसंद करते हो. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, किसी को हेल्प हो जाएगा. एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज डू टेक केयर. बाय.